हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेबर एकेडमी। आज का जो टॉपिक है बच्चों, जो हमारा सबक चल रहा है बरकी रौ के असरात, उसमें जो बरकी रौ के हरारती असरात और मकनातीसी असरात, तो मकनातीसी असरात के ऊपर इसके बाद सारे सवालात और जो पॉइंट्स है और जो टॉपिक्स है वो इन्हीं के ऊपर है। तो चलिए अगला देखते हैं, हम इसी वीडियो का, इसी सबक का अगला देखते हैं हम क्या है कि बरकी रौ के मकनातीसी असरात में जो अभी हमने देखा है कि अगर एक कॉइल जो सीधी है, मतलब स्ट्रेट कॉइल है, यानी जो बर्क का मौसिल है वो सीधा है, तो उसके अतराब जो बर्की मकनातीसी मैदान जो घूमता है वो, उसके बारे में अभी हमने पढ़े। बर्की मकनातीसी मैदान किस तरह पैदा होता है बच्चों, उसके बारे में पढ़े। तो अब जो पढ़ेंगे के लूप के बारे में, यानी दायरवी हल्का जिसको कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो है बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन बच्चों वो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं हम क्या है इस वीडियो में कि बरकी रौ के जो मकनातीसी असर है उसमें हम देखेंगे यहाँ पर मौसिल तार के दायरवी हलके, यानी लूप जिसको कहते हैं, से बरकी रौ की वजह से पैदा होने वाला मकनातीसी मैदान। देखिए 2000 जब नया सिलेबस शुरू हुआ था 2019 में, तो पहला क्वेश्चन यही था पेपर का लूप के ऊपर, ठीक है। तो मौसिल तार के दायरवी हलके यानी लूप जिसको कहते हैं, आप लूप का मतलब जो होता है बच्चों, देखो इस तरह का घुमा हुआ हिस्सा, दायरा, आधा दायरा का शक्ल है ना लूप, से बरकी रौ वजह से पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या है। देखिए आपने मौसिल के सीधे तार से बरकी रौ के बहाव से पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान के मकनातीसी कुवत के खतूत का मुतालिया किया। देखिए मैंने पिछले वीडियो में तमाम खतूत कैसे बनते हैं, सीधा मौसिल है, हमने थम रूल भी देखा था कि अगर इस तरह पकड़ा जाए तो किस तरह ये बरकी रौ है, ये मकनातीसी मैदान है, ये सब हम पढ़ चुके, ठीक है। अब यहाँ पर यही मौसिल एक हल्का यानी लूप की शक्ल में मोटर से बरकी बहाव से पैदा, मोड़ से, शक्ल के मोड़ने से बरकी बहाव से पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान के मकनातीसी खतूत कैसे हो गए। अब अगर वही बरकी रौ जो सीधे मौसिल से गुजर रही थी, जो बर्क का मौसिल है, फर्ज कीजिए ये पेन से अगर बरकी रौ गुजर रही है तो मकनातीसी मैदान पैदा हो रहा था। अब अगर वही सीधा ना हो, तार जो तांबे का तार है जो कॉपर का, वो लूप की शक्ल का हो, तो बरकी रौ के मकनातीसी मैदान कैसे पैदा हो गए। तो देखिए ये शक्ल है, अब देखिए इसमें यहां पर आप समझ लीजिए बच्चों, ये जो है ये लूप है तार का हल्का जिसे कहते हैं, और इसको एक जो है पॉजिटिव से जोड़ा गया है बैटरी के, और एक को निगेटिव से जोड़ा गया है, बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस मतलब मजाहमत लगाई गई है, और ये जो है एमीटर है जो हम करंट नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर दो होल, इसका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा अभी आपको कि किस तरह ये मकनातीसी मैदान किस तरह पैदा होता है यहाँ पर लूप के जरिए, तो ठीक है। तो ये शक्ल है, ये शक्ल में आप देखेंगे कि यहां से दो सुराख, ये पुट्टा है, एक दफ्ती है, इस दफ्ती को जो है दो जगह सुराख करके हमने यहाँ से लूप जो तार जो है दायरवी हल्के वाला तार जो है इसके अंदर डाला है, और इसके अंदर से बरकी रौ गुजारेंगे, तो यहाँ पर जो मकनातीसी मैदान पैदा होगा, क्योंकि बरकी रौ देखिए इसकी सिम तो इस तरह है, ठीक है, और यहां जाने के बाद ये चेंज हो जा रही है, पहले इधर से नीचे से आ रही थी, अब इस सिम तो में ऊपर से आ रही है। तो मैंने पहले कहा था बरकी रौ का जब सिम तो बदलेगी तो मकनातीसी मैदान का जो खतूत है वो भी बदलेंगे। अब देखिए यहां पर जो बरकी रौ इधर से बह रही है यहां से, तो ये जो खतूत है मकनातीसी मैदान के खतूत है आप देखेंगे तो ये जो इस तरह जा रहे हैं घड़ी की सुई की जगह तरह, क्लॉक वाइज जिसको कहते हैं हम, ठीक है। अब जब ये बरकी रौ इधर से यहां से इधर आ गई तो ये जो घूम गए इस तरफ से जाने लगे, पहले ऐसे जा रहे थे, मैं जरा पेन से बता दूं आपको, पहले इनकी सिम तो जो थी बच्चों वो इस तरह थी, इस तरह इसकी सिम तो थी इस तरह यहां पर, और जब ये बरकी रौ, ये बरकी रौ की सिम तो यहां से इस तरह थी, ठीक है। अब ये सिम तो इस तरफ आ गई, मतलब बरकी रौ इस तरह बह रहा है, तो ये जो है पहले इस तरह से इधर से जा रहा था, अब इस तरह जाएगा एंटी क्लॉक वाइज, मतलब ये घड़ी के उल्टा मुताबिक, घड़ी तो जैसे चलती है उसके उल्टे मुताबिक, एंटी क्लॉकवाइज जिसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये लूप से जरिए अगर बरकी रौ गुजारी जाए तो मकनातीसी मैदान किस तरह पैदा होता है, शक्लों में दिखाए गए तरीके से मुख्तलिफ बरकी खाने लेकर बरकी रौ मुकम्मल हल्के, मुकम्मल करके हल्के से बरकी रौ का भाव जारी करने पर
हल्के के हर नुक्ते से मकनातीसी खतूत पैदा होते हैं। जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं वैसे वैसे मकनातीसी खतूत के हम मरकज दायरे बड़े होते जाते हैं। अब ये दायरे बड़े क्यों होते हैं? मौसिल के तार के जो करीब है, जैसे यहां पर अगर ये ले लूंगा पॉइंट, देखिए यहां पर ये एक पॉइंट है पी और ये एक पॉइंट है क्यू, जहां से सुराख से हमने लूप को गुजारा था, तो यहां पर मकनातीसी मैदान बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे ये हल्के बड़े होते जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर मकनातीसी मैदान जो है वो मकनातीसिया तो उसकी कम होती जा रही है। जितना दूर जाएंगे उतना वो मकनातीसी मैदान वो कम होता जाएगा, एक एक जगह ऐसा आएगा डिसअपियर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ वैसे वैसे मकनातीसी मरकज हम दायरे बड़े होते जाते हैं। ये क्यों बड़े होते जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे वहां मकनातीसिया जो है वो कम होती जाती है, इसलिए दायरे भी वो बड़े होते जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसका प्रैक्टिकल अब करके देखते हैं हम कि किस तरह यहाँ पर जो है, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको गौर से देखिए, यानी प्रैक्टिकल कैसे करना है। हाँ देखिए, इसको आप प्रैक्टिकल मतलब इस एक एनिमेशन इसके जरिए है। अब यहाँ देखिए ये व्हाइट कलर का एक दफ्ती है, एक पुट्टा है, ये जो आपको दिख रहा है ये जो है एक दफ्ती है जिसको हम कागज का पुट्टा कहते हैं। उसके ऊपर हमने क्या लगाया है, दफ्ती के ऊपर सफेद ड्राइंग पेपर आता ना, सफेद पेपर, सफेद रंग का एक पेपर लगाया गया है। और अब उसके ऊपर ये जो बारीक बारीक आपको नजर आ रहे ना, ये सब धीरे धीरे छोटे 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 छोटे, ये जो सब है ये लोहे के बुरादे हैं। क्या है? लोहे के बुरादे। ये तमाम चीजें ये लोहे के बुरादे हैं। अब देखिए ये लूप है, इसको बोलते हैं दायरवी हल्का लूप। अब इसका कनेक्शन यहां से, ये बैटरी का निगेटिव है और ये जो है पॉजिटिव है, मतलब ये मजबूत बरकीदा है और ये मनफी बरकीदा है। जब इसको जोड़ दिया जाता है तो आपको पता है जो बरकीरो बहेंगी वो किस सिमत जाएंगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगी। मतलब इधर से ये बरकीरो यहां से आना शुरू हो गई और यहां पर इस तरफ गई, तो यहां पर जो लोहे के बुरादे, क्योंकि मकनातीसी मैदान जो है यहां पर, देखिए मकनातीसी मैदान जो पैदा होगा वो लूप के हर पॉइंट पे होगा। ऐसा नहीं कि जहां पर ये जो मैंने लाल निशान लगाया सिर्फ यहीं पर मकनातीसी मैदान पैदा होगा, नहीं बच्चों, हर जगह पैदा होगा मकनातीसी मैदान। यहां भी, इसके अतराफ भी मकनातीसी मैदान पैदा होगा, इसके अतराफ भी मकनातीसी मैदान पैदा होगा, हर जगह जितनी जो लूप तार है हर जगह पैदा होगा। लेकिन ये तजुर्बा है कि आपको दिखाना है मकनातीसी मैदान के सिमत और खतूत कैसे होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये यहाँ पर लोहे के बुरादे डाले गए हैं। तो यहाँ पर जो मैदान पैदा होगा उससे हमको खतूत मिल जाएंगे कि मकनातीस की जो खतूत है, मतलब उसकी जो कंडीशन है, उसके जो सिमत है वो किस तरह होती है। ठीक है, अब ये दो पॉइंट है, इसको ए ले लीजिए और इसको बी ले लीजिए। ठीक है, अब बरकीरो यहां से गुजरेगी तो आपको पता है जब इस तरफ से बरकीरो गुजरेगी तो बरकी मकनातीसी मैदान किस तरह पैदा होगा, ये अब आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो बरकी मकनातीसी मैदान इस तरह यहाँ पैदा होगा। अब यही जो बरकीरो है इधर से वहां से आएगी और आप देखिए उसकी सिमत बदल गई है, पहले वो नीचे से ऊपर जा रही थी, तो यहाँ पर बरकी खतूत मकनातीसी मैदान की जो खतूत होगी बच्चों वो कि उसकी जो सिमत होगी वो अलग होगी और यहाँ पर इन खतूतों की सिमत अलग होगी। तो चलिए देखते हैं वो किस तरह खतूत की सिमत होगी, या एनिमेशन से मैं आपको बताता हूँ कि लोहे के बुरादे किस तरह सर्कल में तब्दील हो जाते हैं, दायरे में बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से ये बरकीरो गुजरना, ये नीले कलर की दिख रही है आपको, ये बरकीरो गुजरी और बरकीरो यहां पर भी मकनातीसी मैदान पैदा हो रहा है, यहां भी मकनातीसी मैदान पैदा हो रहा है, लेकिन यहां पर नजर नहीं आ रहा। जब आप लोहे के बुरादे वहां रख दोगे तो आपको नजर आ जाएगा, तो हमको वो बताने के लिए हमने यहाँ पर लोहे के बुरादे ऊपर रखे हुए हैं। तो देखिए आप ये ऊपर से गुजरे तो देखिए किस तरह मकनातीसी मैदान पैदा हुआ। अब आप उसकी खतूत समझ गए होंगे, वो सर्कल देखिए सारे सर्कल बन चुके हैं और ये तमाम के तमाम दायरे हम मरकज दायरे है। समझ में आया बच्चों? फिर से एक बार आप इस एनिमेशन को देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहां से बरकीरो इस तरफ गुजर रही थी नीचे से ऊपर की सिमत। ठीक है, अब यहां से ये बरकीरो गुजरी तो ये खतूत की जो डायरेक्शन है देखिए इस तरह है, देखिए इस तरह है, इस तरह दिख रहा आपको, इस तरह बन रहे। लेकिन यहां पर तो ये जो खतूत दिख रहा है आपको, ये हमको, हमें ये जो है खतूत सिमत बताते हैं कि बरकी मकनातीसी मैदान की सिमत कौन सी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो ये जो दायरों की सिमत थी ये खतूत इस तरह बन रहे थे मकनातीसी खतूत, और इस तरफ बन रहे, आपने गौर किया होगा।
तो जब बरकी रहो की सिमत बदल जाती है, चाहे वो लूप हो चाहे वो सीधा मौसिल हो, तो दोनों में आपको वहां पर कंडीशन, तो यहां पर भी दायरे हल्के बनते हैं लेकिन दो जगह बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये लूप के जरिए जो मकनातीसी मैदान पैदा होता है वो किस तरह पैदा होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा कि सीधा मौसिल से बरकी रहो गुजारे तो मकनातीसी मैदान किस तरह पैदा होता है, और लूप से गुजारे दायरवी हल्के से गुजारे तो मकनातीसी मैदान किस तरह यहाँ पर पैदा होता है। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये एक एक टॉपिक मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए, समझ में आ जाए। अगला वीडियो जो आएगा वो अगले टॉपिक पे आएगा, जो हम उसमें देखेंगे कि जो लू जो अब सोलेनाइट की जो कॉइल है, सोलेनाइट की कॉइल, उसके अंदर से अगर बरकी रहो गुजरे तो मकनातीसी मैदान किस तरह पैदा होता है, ये सब के ऊपर सवाल आते हैं बोर्ड में, इसलिए आप इसको समझिए अच्छे से, और इसके ऊपर के सवाल आते हैं वो आपको बहुत याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।